Good morning, students. Today we are going to study English chapter 1, the pot of soup. Once there was a bear. एक समय वहाँ एक भालू रहता था. He lived in a cave in the forest. कहाँ रहता था वो? Forest, जंगल के एक गुफा में रहता था. One day he decided to make the soup. उसने एक दिन सोचा कि चलो सूप बनाया जाए. He went to ask his neighbor for food. उसने सोचा कि चलो नेबर लोग से, नेबर मतलब पड़ोसी लोग से कुछ फूड लाया जाए ताकि वो सूप में डाल के बनाए. बट नो वन गेव हिम एनी फूड. बट पड़ोसियों ने उसे कुछ भी नहीं दिया. द बियर डिसाइडेड टू मेक द सूप हिमसेल्फ. तो बियर भालू ने सोचा कि मैं खुद से ही सूप बनाता हूँ. ही टुक आउट हिज पॉट. उसने अपना पॉट बाहर निकाला. ही लिट अ फायर. आग जलाई. ही पुट वाटर इन द पॉट. और फिर उस मटकी में जिसमें वो सूप बना रहा था उसमें क्या रखा? उसने पानी रखा. ही पुट द पॉट टू द बॉयल ऑन द फायर. तो और उसने उस पॉट को, उस मटकी को या उस बर्तन को किस पे रख दिया? आगे पे रख दिया. वॉट आर यू कुकिंग? आस्क्ड द बर्ड पीपिंग डाउन फ्रॉम द नेस्ट. तुम क्या बना रहे हो? बर्ड ने झांकते हुए पूछा अपने घोंसले से. पीपिंग मतलब झांकना. सम सूप, सेड द बियर स्टीरिंग द वाटर. मैं थोड़ा सा सूप बना रहा हूँ. किसने बोला? भालू ने बोला पानी को चलाते चलाते. आई एम हंग्री. मैं बहुत भूखा हूँ. मैं बहुत भूखी हूँ. आई एम हंग्री कौन बोला? चिड़िया बोली. मे आई हैव सम सूप टू. मैं भी क्या थोड़ा सा सूप ले सकती हूँ? किसने कहा? चिड़िया ने कहा. इट विल बी टेस्टी इफ़ यू गिव सम फूड टू पुट इन इट. ये और टेस्टी हो जाएगा अगर तुम थोड़ा सा फूड अपने पास से इसमें डालने के लिए दोगी. वुड यू गिव सम फूड? सेड द बियर. क्या तुम कुछ फूड दे सकती हो? किसने पूछा? बियर ने बर्ड से पूछा. सो द बर्ड ब्रॉट सम व्हीट इन हिज रेड बीक. तो बर्ड ने क्या किया? कुछ व्हीट ग्रेन्स, कुछ व्हीट के, गेहूं के दाने अपने लाल चोंच में ला के दिए. द बियर पुट द ग्रेन इन द सूप. और भालू ने क्या किया? फिर उसको सूप में डाल दिया. द सूप ग्रू थिक. सूप क्या हो गया? थोड़ा अच्छा मोटा हो गया. द ओल्ड रैट पीप्ड आउट फ्रॉम हिज होल. और एक बूढ़ा चूहा अपने घर के मतलब जो चूहा छेदे में रहता है ना, वहाँ होल में से बाहर झांका. वॉट आर यू कुकिंग? ही सेड. फिर उस चूहे ने भी वही क्वेश्चन किया. तुम क्या बना रहे हो? सम सूप, सेड द बियर स्टीरिंग द पॉट. तो भालू ने वही बोला, थोड़ा सा सूप बना रहा हूँ. आई एम सो हंग्री. गिव मी सूप माई फ्रेंड. सेड द रेट. रेट ने कहा मैं बहुत भूखा हूँ. गिव मी सम सूप. मेरे को थोड़ा सा सूप दे सकते हो? किसने कहा? रेट ने कहा. किससे? भालू से. इट वुड बी वेरी टेस्टी इफ़ यू गिव सम फूड टू पुट इन इट. ये और टेस्टी हो जाएगा अगर तुम थोड़ा सा खाना इसमें, मतलब कुछ भी फूड इसमें डालने के लिए दोगे. वुड यू गिव सम फूड? क्या तुम कुछ फूड दे सकते हो? किसने कहा? बियर ने कहा. किससे? रैट से. सो रैट गेव चीज़. तो रैट ने क्या दिया उसको? थोड़ी सी चीज़ दी. चीज़ क्या होती है? जो रैट को बहुत पसंद होती है ना, चीज़ दी रैट ने. द सूप स्मेल्ट गुड. तो चीज़ डालने के बाद सूप की खुशबू क्या हो गई? और भी अच्छी हो गई. स्मेल्ट मतलब क्या होता है? क्या होता है स्मेल्ट का मतलब? खुशबू. ठीक है. सून, बहुत जल्द. ऑल द नेबर ब्रॉट समथिंग टू द बियर. जल्द ही, बहुत जल्दी, मतलब जैसे ही सूप की खुशबू हुई तो जितने भी उसके पड़ोसी थे सब ने कुछ ना कुछ क्या किया? बियर को दिया. समथिंग टू द बियर टू पुट इन टू द पॉट ऑफ सूप. पहले जो पड़ोसी उसको कुछ नहीं दे रहे थे, जैसे ही सूप की खुशबू आई वैसे ही सारे पड़ोसियों ने क्या किया? कुछ कुछ ला के पॉट बियर को दिया ताकि वो पॉट में डाले, मतलब सूप में डाले. देयर वॉज अ बिग रेड कैरट. बड़ा सारा एक कैरट था, मतलब गाजर थी. अ पाइनएप्पल, एक पाइनएप्पल था. एक वाइट मशरूम था. एक एग, एन एग मीन्स एक अंडा था. एंड अदर फूड, और भी बहुत सारे फूड्स थे. द सूप वॉज हेल्दी. सूप क्या था? बहुत हेल्दी था, क्योंकि उसमें इतने सारे चीज़ डल जाएंगे, रेड कैरेट, पाइनएप्पल, वाइट मशरूम, एग, चीज़ और
चिड़िया ने क्या दिया था? क्या दिया था चिड़िया ने? गेहूं के दाने दिए थे ना, अब वो सब डल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सूप, सूप और हेल्दी बन जाएगा, है ना। द बियर सर्व्ड इट टू हिज नेबर्स, तो बियर ने क्या किया, उसने अपने नेबर्स को भी दिया। देन ही सेट डाउन एंड हैड अ बाउल फुल ऑफ सूप हिमसेल्फ, तो बियर ने पहले तो पड़ोसियों को भी खिलाया, जिसने उसे क्या नहीं दिया था, पड़ोसियों ने उसे क्या नहीं दिया था, फूड नहीं दिया था ना, उन नेबर्स को भी उसने खिलाया। फिर देन ही सेट डाउन, फिर वो खुद भी कहाँ बैठा, उन्हीं लोग के साथ बैठा, और एक कटोरे में, मतलब एक बाउल होता है ना कटोरी, वो फुल ऑफ सूप अपने लिए भी लेके आया और सबको ही खाए।